किस्मत साथ दे गई तुम्हारा। कब तक बचते रहोगे? हर बार तो किस्मत साथ नहीं देती, मगर तुम्हारे नसीब में सिर्फ हार ही होगी जब भी तुम हमारे खिलाफ खड़े होगे। तुम दोनों मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन तुम दोनों को एक एक करके मैं कुचल दूंगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया इब्राहिम सरदार। जिद छोड़ दीजिए। मेरे बेटे को मारने के बाद तुम मेरी भी जान लेना चाहते हो क्या? तो बढ़ो आगे, मगर जानदार कबीले के साथ तुम्हारा हिसाब बढ़ जाएगा। मेरा इरादा कभी भी आपकी जान लेने का नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो कब का हो चुका होता। मुकदमे तक इंतजार करें मैंने आपको कहा था। क्या वाकई इसीलिए आपने हमें पकड़ रखा है उस्मान सरदार? आप कुछ ज्यादा ही बात बढ़ा रहे हैं। आप अपने सिपाहियों को जमा करके जंग के लिए तैयार हो जाए और मैं कुछ ना करूं। मैं एक बाप हूं जिसने अपने बेटे को खोया है। इब्राहिम सरदार, बस बहुत हो गया। इस नुकसान से, इस तकलीफ से छुटकारा पा लीजिए। सरदार को यह जेब नहीं देता, आपको भी। मैं आपके कबीले पर मुसीबत बनूंगा जिसे आप रियासत कहते हैं। इब्राहिम सरदार, चौबान को खत्म करके अलहानी रियासत के साथ मुत्तहिद होकर उसके बाद आप तख्त नशीन हुए, अगर याद हो। हम बगलगीर होकर पीठ पर वार नहीं करते। ऐसा ना हो कि उलझाए और आप में फर्क न किया जाए। अपनी हद में रहे उस्मान सरदार, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं हम पे। हद में रहने की आपको जरूरत है? क्यों आए यहां? जानता हूं मैं, जानता हूं मेरी सरजमीन पर फसाद फैलाने आए और बुरे इरादे से आपने शादी का एहतमाम किया। हाँ तो इस तरह तुम भी एतराफ करो, तुमने शादी बर्बाद कर दी और मेरे बेटे को मार डाला। नहीं नहीं इब्राहिम सरदार, वो भी वक्त की नजाकत थी कि अलाउद्दीन और गुंजा की शादी की। उन दोनों का निकाह हो चुका है और ये बात भी याद रखें, अहमद को मारने वाले हम नहीं। अच्छी तरह सोच लीजिए कि हमारे साथ इंसाफ की तरफ जाएंगे या फिर खूनरेजी की तरफ। जो खून बहाया जाएगा आप उसे रोक नहीं पाएंगे उस्मान सरदार। आपकी चालों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बस करें, बस करें। अलाउद्दीन की बेगुनाही जल्द वाजे हो जाएगी और आप मेरी सरजमीन से चले जाएंगे। तलवार छोड़िए, मैंने कहा छोड़िए इसे, छोड़ दें। अच्छा लगा। सिपाहियों, इब्राहिम साहब और इनके सिपाहियों को इंतहाई इज्जत के साथ ले जाओ यहां से, और जो गीदड़ हैं उन्हें गीदों की खुराक बनाओ। जैसे आपका हुक्म।
आइए।